खतरनाक घर बना रहा है आशिक भाई। शादी करने का टाइम आ गया है, ऐसे ऐसे घूर रहा था, पता नहीं क्यों शर्मा रही है। दुर्गेश ये पहली बार है, नहीं आशिक भाई पहली बार है ऐसा, पर अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है, सही है गाइस। इनको गाली गाली दो गाइस, इनको गाली दो। ओके बोले फास्ट जकड़ाओ, ठीक है हम लोग आते हैं अभी। इधर अभी नॉइस बहुत ज्यादा है, उधर इंट्रो देंगे। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो क्या हुआ कि आज मतलब कि तारी अंकल जाने वाले हैं दुबई, तो वो जाने के खुशी में पार्टी दे रहे हैं आज। तो हम लोग मतलब क्या हुआ कि बोले कि हेटौड़ा तो घूम ही लिए, एंजॉय कर लिए, वही एक्सपोजर थे हमारे। तो मतलब सोचा कि जैसे ही गोश्त बनाते हैं, मीट बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अभी आया कुछ सामान भाग भाटी में खरीदना है, यहाँ पे कुछ खरीदते हैं और बनाएंगे आशिक और मैं, और आप लोग को दिखाऊंगा रेसिपी आज का, ठीक है। आज का कुक हमारे आशिक भाई है, देखते हैं कैसा मीट बनाते हैं, गाली सुनते हैं या तारीफ, अब इनके हाथ पे है। तो आशिक कैसा बनने वाला है, मतलब अच्छा तुम्हारे हिसाब से कैसा बनेगा? अच्छा ही बनेगा भाई। गाली सुनने वाला या फिर गाली नहीं सुनना पड़ेगा भाई? अच्छा देखते हैं। तो आगे भाग बट्टी में आशिक भाई, बात कैसा लग रहा है यहाँ पे? एसी रहता है अभी, यहाँ जाने में तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो गया भाई। यहाँ पे पास ही में घर है, दिख रहा हो ना, इसी में बोलो ना, घर में ऐसी है तो इसमें क्या घर नहीं है। मौज है भाई आपका। तो शादी कब कर रहे हो? शादी कब हो रहा है? अभी टाइम है, अभी एजी क्या हुआ है, अभी बच्चा है आशिक भाई, कोई बात नहीं, 30-35-40 का होगा, अभी बच्चा है। आप लोग कमेंट में कोई लड़की मेंशन कर दो उसके लिए। अभी टमाटर लेते हैं, टमाटर धनिया मिर्चा जो भी है वो सब लेते हैं। अभी मिर्चा लेते हैं, कितना प्राइस है इसका? 21। ओके सलाद भी लेना था, सलाद के लिए ओके ये ले लेते हैं। गजरा नहीं लेना, गजरा भी सलाद में आएगा ना, इसका कितना प्राइस है? 30। मेन तो छुट्टी गया रे, लेमन ठीक है, ओके ठीक है। चावल लेना था आशिक भाई, कौन से चावल सही रहेगा? बासमती? बासमती नहीं, 1 किलो ला उधर मिलेगा, उधर यहाँ पे नहीं। अरे ये क्या होगा, उधर रहता वहीं पे, इधर 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 इंडिया गेट नहीं, वो नेवारी, नेवारी अभी अच्छा रहा, सबसे बेस्ट है नेवारी, नेवारी यही है। हाँ प्राइस देखो तो कितना, 173। ओके मुड़ी को लगन बोटी करे, मुड़ी 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 कहते हैं आप? इधर है, इधर फॉलो करो, उनको फॉलो करो, मतलब हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाप रे सब उधर होना चाहिए। अरे आशिक भाई कुछ और तो नहीं समझ रही ना? नहीं नहीं सही है, लाई है, कितना ज़्यादा कौन था, ठीक है कितना है देखो तो ठीक में 1 किलो हुई। ओके ठीक है, ठंडा नहीं रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठंडा तो कैसे भी लेना ही है। ड्यू लेते हैं, ड्यू ड्यू सब मानसून ड्यू सही नहीं है, माउंटेन ड्यू, ड्यू का बहुत कप जा रहा है गाइस। ड्यू उतना ठंडा नहीं है फिर कोई बात नहीं, कौन माउंटेन ड्यू है ना, हाँ सही है। क्योंकि आजकल मानसून ड्यू कौन कौन ड्यू आ रहा है मालूम नहीं, इंडियन ड्यू तो एकदम बेकार लगता है, नेपाली ड्यू मस्त लगता है, महंगा पड़ता है तो क्या, पर अच्छा आ रहता है। ड्यू ले लिया हम लोग, सब सामान हम लोग ले लिए हम लोग, अब निकलते हैं यहाँ पे बिलिंग कराते हैं। देख गाइस तो बिलिंग हो गया हम लोग का यहाँ पे, अभी लेते हैं और निकलते हैं। अच्छी बात, इसको रखो। हो गया भाट भट्टी से शॉपिंग, तो भाट भट्टी में शॉपिंग हो गया, अभी से बाहर निकलने का टाइम हो गया। ओ माय गॉड मुंह झोकरा गया गाइस, देख रहे कितना गर्मी है बाहर, कितना ठंडी है नहीं? हाँ सही है, भाई को सब्सक्राइब करो बस। आशिक तो देख रहा चल रहा होटल में, तो हाँ यहाँ पे लेते हैं, मतलब कि 500 का बिलिंग होता है, तो यहाँ पे क्या है 500 में ये ग्लूकोज आपको मिलता है, पता नहीं क्यों शर्मा रही हैं। कोई बात नहीं, बिल देना, बिल तो ना लगे, बाकी बिल को ना ले लिया मेरे पास है, बिल दे दिया, कोई बात नहीं, 500 में यही है, कोई बात नहीं, चलो सही है। आशिक भाई को देखो ना यार, मतलब कि
लड़कियों को कैसे निहार रहे थे, मैं देख रहा था इसको नहीं कैशियर वाले को चलो घर पे बोलता हूँ मम्मी से तुम्हारे, फिर पता चलता है ठीक है। शादी करने का टाइम आ गया है, ऐसे ऐसे घूर रहा था पिटवार ना दिए। गाइस एक बात और, मतलब कि वो क्या होता है मेंबरशिप, वहाँ पे नंबर है, मैंने बोला मैं अपना देता हूँ नंबर, ये बोला नहीं मैं अपना नंबर दूंगा कि उसको पता चल जाए। साले सब समझता हूँ मैं, देख लो कैसे मुंह लाल हो गया इसका। गाइस चलते हैं अभी बनाते हैं, आपको रेसिपी दिखाते हैं। देखे यहाँ पे आशिक भाई रेडी हो चुके हैं कुक की तरह, बाबाची की तरह वही बोल सकते हैं इसको, मतलब बाबाची नहीं भाई हमारा बहुत अच्छा मीट बनाता है, इसीलिए आज सोचा कि आशिक भाई ही बनाते हैं। तो आशिक भाई मीट बनाने के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा थोड़ा सब्सक्राइबर लोग को बता दो आप। सबसे पहले तो तेल डालना पड़ेगा, हाँ गर्म हो जाए या फिर गर्म से पहले मतलब तेल गर्म आना चाहिए। क्या 1.5 किलो मीट के लिए उतना तेल काफी है आशिक भाई, सच में? हाँ भाई कितना थोड़ा और तेल रखो यार, कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया? शुरू में कुछ मुझे डाउट लग रहा आशिक भाई, मैंने सब्सक्राइबर को बोला है कि एक अच्छा कुक हो आप। तो यहाँ पे हम लोग का मीट सफा हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे चिकन है, चिकन खाते हैं हम लोग, और यहाँ पे प्याज कट कर रखे, यहाँ पे लहसुन भी है, और भोले बाबा मिर्ची काट रहा है यहाँ पे, आशिक भाई के हेल्पर है ये, मतलब उसको तो कुछ बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी बनाना नहीं आता कुछ भी। देखो आशिक भाई कैसे उसको सिखा रहे हैं, पीछे पीछे से कटो, मतलब सही आशिक भाई उसको थोड़ा गाइड करो। हाँ हाँ आप उसको कटाई से पता चल रहा होगा उसको कुछ बनाना आता नहीं, आशिक भाई आपको आता है उसको नहीं आता है, वो सुअर है वो सिर्फ खाना आता है उसको। यहाँ पे मिर्चा भी डाल दिए और अभी सब और भी डालना बाकी है, अभी गरम तेल में इसको अभी हल्के हल्के हिलाए, मतलब उसको चलाए नहीं। तो अभी प्याज को रख दिया है यहाँ पे, उसको चला रहे हैं, इसको गलाना है। क्या हुआ कि गैस देखो एकदम धीरा है, फुल है इतना में, और ये प्याज थोड़ा भी गर्म ही नहीं हुआ, मतलब कि सबर का पूरा इम्तिहान लेकर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, सबर के इम्तिहान देकर बनाना पड़ेगा भाई। वो चलाते रहो मतलब उसको 2 घंटा तो लग जाएगा, 2-3 घंटा आज मीट लगेगा बनने में। गाइस सोचा था हम लोग यहाँ पे मीट बनाए, रेसिपी आशी भाई बताएंगे, पर क्या करें गैस इतना ना कम बन रहा है कि बनाने का मन नहीं कर रहा, 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा। नहीं आशिक भाई इसको निकालो तो कैसा अटक गया, ऐसे 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 पकड़ 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 गरम है। तो इसको हम लोग अब बोल रहे हैं मतलब भाड़ में जाए यार, हम लोग नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे तो लग ही जाएगा। छोड़ आशिक भाई उसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इतना देर में नहीं इतना देर में होता है, मतलब इसका ये गैस सही नहीं है, दूसरा क्या करेंगे बनाते हैं। आंटी है, एक आंटी है उनके जिम्मा लगा देते, वो बनाएंगी, छोड़ देते आशिक भाई तो बाहर में जाए मीट। हम लोग आ गए यहाँ बाहर, उसका भाजा वजा खाने कुछ वहाँ पे, कैसे कि बहुत टाइम लग जाएगा, 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। देखो यहाँ पर साला पर यहाँ पे खा रहा है, यहाँ पे अकेले अकेले पानी पूरी खा रहा है, देखो इसको क्या है भाई यार, खिला खिला क्या वो ठंडा में जा रहे। तो पानी पूरी खाते आशिक भाई, पहले मैं कहूँगा मीठा बन रहा है हम लोग का मीठा पानी पूरी, दही नहीं रखना आशिक भाई को खाना है। तो अभी खा रहे इधर, एक उधर क्या करे, मीट तो 2-3 घंटा लगेगा बनने में, इसको उठा उसको, हाँ गुड बॉय, अच्छा काम करे आशिक भाई, अच्छा काम करे। तो गैस देख रहे आप लोग, गैस कैसे जल रहा था, जो सुअर खाएगा वो सुअर रहेगा, सुअर है सर, देखो कैसे खा गए गाइस, इनको गाली गाली दो, गाइस इनको गाली दो, साले कमीनों को गाली दो, खा गए मेरा सब कदर कर, गाइस देख रहे आप लोग, गाइस देखिए ये पीला खाती है, क्या खाती है आशिक, आशिक ये क्या खाती है, पीला पीला खाती है, वो भी खाती है, नहीं
बोले बाबा ठीक तो चश्मा में कुछ लोग बता क्या हुआ कि केस कटाने आया केस धारी देखी ले कितना बढ़ गया है अभी थोड़ा इसको मिलवाते हैं अभी आए हम लोग बियर्ड शॉप में यहाँ पे ही मैं कटाता हूँ बाल और दाढ़ी अभी इसके अंदर जाते हैं अभी यहाँ पे भीड़ है अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो लगाएंगे हम लोग बहुत अच्छा हो गया अब क्या हुआ कि हम लोग मकालू के पास जाना है आशिक भाई के घर का नक्शा निकालना तो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं बहुत लेट हो चुका है यार तो निकलते हैं अभी दे गाइस तो इसे कहते हैं दीर्घज का विकास डेवलपमेंट यहाँ पे देखे रेड सिग्नल पे यहाँ पर सब रुके हुए हैं दीर्घज में पहली बार है आशिक भाई पहली बार है ऐसा बड़ा अच्छा है गाइस बहुत अच्छा है सही है हम लोग यहाँ पर फोटो का भी नक्शा भी निकलवाएंगे कहाँ इसमें खतरनाक घर बना रहा है आशिक भाई सही है नक्शा मस्त है अभी निकलते हैं यहाँ से चलते हैं अभी बहुत काम है मुझे गाइस तो बारी काला कारी जेबे बारी दिल खाली सब लिए बिलो जिम्मेदारी की है